हेलो जेमिनी, वेलकम टू ग्रो माई हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर जेमिनी। मास्टर, नियोफाइट, द एम्परर, इंटर ऑफ स्क्वायर, एंड द डेविल। ओके, आई थिंक द एम्परर के साथ आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेंट बिहेव कर रहे हैं इस वीक में। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके हिसाब से चलें और उनकी बातें सुने, या मे बी इसका अपोजिट भी हो सकता है। उन्हें लग रहा हो सकता है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं उन्हें। कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है या कोई इश्यू हो सकता है जिसपे आप दोनों अपने हिसाब से फैसले लेने चाहते हैं, मगर द एम्परर बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि उनके तरीके सही हैं, उनका डिसीजन सही है, आपको उनके हिसाब से सोचना चाहिए। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इमैच्योर हैं, आप अपने फैसले नहीं ले सकते, और यहां पर ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बुरा है या फिर वो कुछ बुरा करना चाहते हैं, नहीं। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि ये पर्सन आपके पॉइंट ऑफ व्यूज को चेंज करना चाहते हैं। एंड ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि यहां पे मास्टर के कार्ड के साथ उन्हें लगता है कि आपको हमेशा गाइडेंस की जरूरत है, आपको उनके हेल्प की जरूरत है। और ना सिर्फ वो आपके लवर हैं, आपका प्यार है, बस शायद वो आपकी जरूरत भी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि उनके बिना आप नहीं चल सकते। ओके, एंड फिर यहां पे नियोफाइट का कार्ड है। सो वो उम्मीद करते हैं कि आप उनकी बात को समझेंगे। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं और हर चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस पॉइंट पर। उन्हें पता है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर कर रहे हैं या आपको पुश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अनअवेयर है आपके सिचुएशन से, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदला जा सकता है। जेमिनी, शायद पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। फिर यहां पे कार्ड है द डेविल का। मे बी यहां पर कोई है जो उनके आइडियाज को मैनिपुलेट कर रहा है। वो आपके व्यूज बदलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद ऐसा करने को उनसे कोई और कह रहा है। मे बी उनके फ्रेंड सर्कल में कोई है, मे बी उनके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है, उनके फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है जिससे वो एडवाइस ले रहे हो। और वो बार बार उन्हें कुछ करने के लिए कह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। ये आइडियाज उनके दिमाग में शायद खुद से नहीं आ रहे, ये आइडियाज किसी के दिए हुए हैं। क्योंकि टर्न ऑफ स्क्वायर के साथ आपका पर्सन ऑलरेडी टायर्ड है। आई थिंक उन्हें लगता है कि अब इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना जरूरी है। क्योंकि टेन ऑफ स्क्वायर के साथ इन्हें लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, या आप वॉन्ट्स बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं अपने साथ और ये बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ये टायरिंग है। सो टेन ऑफ स्क्वायर के साथ इस पर्सन को उम्मीद है कि वो इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हो सकता है कि आप कमिटमेंट करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हो, और इसके लिए ये पर्सन जल्दीबाजी में है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको पुश कर रहा है कुछ करने के लिए, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के लिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि इस सिचुएशन के वर्क करने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि आप में से कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़े, और उन्हें उम्मीद है कि ऐसा आप करेंगे। क्योंकि द डेविल के कार्ड के साथ सर्टनली उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। हालांकि ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। यहां पर कोई फायर साइन हो सकता है, और
हो सकता है कोई वाटर साइन भी, हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लवर्स, एट ऑफ स्टार्स, द सन, सेवन ऑफ स्टार्स, एंड थ्री ऑफ स्टार्स। ओके, तो जो द डेविल है जो आपके और उनके बीच में एक बाधा बन रहा है या ऑब्स्टेकल बन रहा है, उन्हें ये समझ में आएगा कि आप द लवर्स हैं, आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। भले ही द एम्परर जितनी भी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा हो, जितनी भी नेगेटिव बातें बोल रहा हो, जितना भी आपको पुश करने की कोशिश कर रहा हो, पर सच ये है कि फीलिंग्स है आप दोनों के अंदर, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लवर्स हैं। तो द डेविल को ये चीज समझ में आएगी क्योंकि एट ऑफ स्टार्स के साथ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जेमिनी कि आप किस हद तक जाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस किस हद तक करना चाहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को किस हद तक बदलना चाहते हैं अपने पार्टनर के हिसाब से। क्योंकि एट ऑफ स्टार्स के साथ आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, ओके, तो यहां पर आपकी विशेष ग्रैंड हो रही हैं, बट हां चूंकि ये टेन ऑफ स्टार्स नहीं है तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये कंप्लीट नहीं है, यहां पर कुछ कमी है, और चीजें ऐड हो सकती थी या और चीजें परफेक्ट हो सकती थी। पर अगर सिचुएशन परफेक्ट नहीं भी है तो भी आपके फेवर में है। आपके पार्टनर को अगर किसी एक को चुनना हो तो वो द लवर्स के कार्ड के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे कार्ड है द सन का, सो हैप्पीनेस है, परफेक्शन है, हर चीज है जो आपको चाहिए एंड ये सिचुएशन आपके फेवर में काम करेगी और ये आपकी चॉइस होगी। अगर आप इनके व्यूज को सरेंडर नहीं भी करते हैं तो भी ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा क्योंकि द लवर्स के साथ आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है उसका टूटना इतना आसान नहीं है कि द डेविल उनसे कुछ भी कराए और आप अगर उसे नहीं मानते हैं तो आपके पार्टनर आपको छोड़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहां सेवन ऑफ स्टार्स के साथ मेरे ख्याल से आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ओके, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कह रहे हैं आपके पार्टनर इमीडिएटली ना सुने, हो सकता है कि वो शुरू में अपसेट हो उसको लेके, पर सेवन ऑफ स्टार्स के साथ अगर आप वेट करेंगे तो इसका नतीजा आपको जरूर मिलेगा क्योंकि द डेविल के कार्ड के नीचे थ्री ऑफ स्टार्स है। सो इस पर्सन ने जो कुछ भी सोचा है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाने वाली हैं, उनके सारे जो प्लान्स है वो बर्बाद होने वाले हैं। आपको और आपके पार्टनर को सेपरेट करने के या कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ओके, और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट्स गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर द डेविल यहां प्रेजेंट भी है, अगर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी कर रहा है, तो इस वक्त आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी से झगड़े करने की जरूरत है, ना किसी से आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत है। पीस को चूज कीजिए, शांति को चूज कीजिए, आप काम रहेंगे, कंपोज रहेंगे तो चीजें अपने आप हो जाएगी। अपने आप को सही साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि चीजें अपने आप हो जाएंगी। मदर हीलिंग इज
पॉसिबल एट दिस टाइम. सो मदर मैरी आपके साथ हैं और सारी सिचुएशन जिसमें भी आप हैं उन सबका समाधान होगा एंड आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं. आपको अननेसेसरीली अपने आप को सही प्रूफ करने की जरूरत है ही नहीं जेमिनाइ. दूसरों को अपना काम करने दीजिए और दूसरों को अपना कर्मा झेलने दीजिए. तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के थर्ड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो.